नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का अच्छी टिप्स यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, घर में पैसा क्यों नहीं रुकता, पैसा टिकता नहीं, ये टोटके आजमाएं। दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्सर लोग एक दूसरे से शिकायत करते हैं कि बहुत पैसा कमाने के बावजूद उनके घर में पैसा नहीं है। जैसे एक हाथ से पैसा आता है वैसे ही दूसरे हाथ से चला जाता है और उनके घर में हमेशा पैसों की कमी बनी रहती है। अगर आपको भी यही शिकायत है तो टेंशन छोड़िए और मंगल का यह विशेष उपाय कीजिए। इन उपायों को करने से आप जल्द ही पैसों की तंगी से छुटकारा पा सकते हैं। आइए जानते हैं क्या हैं ये उपाय। सबसे पहले, ज्योतिष में पैसे बचाने के लिए कौन सा ग्रह जिम्मेदार है। आपको बता दें, कुंडली का छठा घर मुख्य रूप से पैसे बचाने से संबंधित है। इसके अलावा कुंडली का ग्यारहवां घर आय को नियंत्रित करता है, इसलिए इस कीमत को बचत के लिए भी देखा जाना चाहिए। धन का आय व्यय बुध द्वारा नियंत्रित किया जाता है, इसलिए बुध की स्थिति भी यहाँ महत्वपूर्ण हो जाती है। घर में पैसे की तंगी से बचने के लिए शुक्र, बृहस्पति और मंगल की स्थिति की भी जांच करें, तभी आप पूरी तरह से बचत का आकलन कर पाएंगे। घर में पैसा क्यों नहीं रुकता, कब धन की बचत नहीं हो पाता। जब कुंडली में बुध कमजोर हो, जब शुक्र बहुत मजबूत हो, कुंडली में षष्ठ भाव का स्वामी खराब होता है, जब वायु तत्व मजबूत होता है। घर में धन को सही स्थान पर न रखना, गलत तरीके से पन्ना या पुखराज पहनना, कब व्यक्ति धन की बचत आसानी से कर पाता है। बुध या बृहस्पति का मजबूत होना, जब शनि धन के संकेत के पास होता है, जब कुंडली में पृथ्वी का तत्व प्रमुख है। घर में किचन और तिजोरी को सही रखें, धन के कुछ हिस्से के नियमित दान पर। पैसे बचाने के लिए क्या करें, सलाह लें और एक पेज या पुखराज पहने। किचन को साफ सुथरा रखें, अलमारी में वह पैसा रखें जो उत्तर या पूर्व की ओर खुलता हो। हल्दी को पीले कपड़े में बांधकर किचन में रखें। शनिवार को गरीब व्यक्ति को सिक्के दान करें, पैसा टिकता नहीं, ये टोटके आजमाएं। आजकल हर इंसान वित्तीय संकट का शिकार है। वित्तीय संकट जरूरी नहीं है कि गरीब ही हो, ऐसे कई परिवार हैं जहां आय अच्छी है लेकिन इसके बावजूद पैसे से संबंधित कई समस्याएं हैं। ऐसे घरों में पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है। कभी कभी कोई व्यक्ति मजबूरी में भी अपनी बचत खर्च करता है। अगर आप धन या गृहस्थी से जुड़ी किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो शास्त्रों के अनुसार आटे के चमत्कारी उपाय अवश्य करें। ये उपाय आपकी सभी समस्याओं को खत्म कर देगा। ये उपाय बहुत सरल है। अगर आप जल्द ही शुभ फल पाना चाहते हैं तो किसी भी शुभ मुहूर्त में ये उपाय कर सकते हैं। गेहूं के आटे में थोड़ी सी हल्दी मिलाएं और गुरुवार को गाय को खिलाएं। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी और जल्द पैसा आएगा। अगर घर में पैसा नहीं रुकता है तो वह भी ठीक हो जाएगा। इसके अलावा रोजाना चींटियों को आटा देना भी फायदेमंद होता है। शनिवार को चक्की में आटा पीसें और पीसने से पहले 100 ग्राम काले चने, 100 ग्राम तुलसी, केसर के दो दाने डालें। इसके अलावा केवल चक्की के आटे का उपयोग करने की कोशिश करें घर के सभी सदस्यों और केवल शनिवार को पीस लें। इस उपाय से वित्तीय संकट बहुत जल्द खत्म हो जाएगा और भीड़ भाड़ के नए स्रोत खुल जाएंगे। इसके अलावा यह सदस्यों के बीच कलह और व्यवस्था की स्थिति को भी समाप्त करता है और घर में समृद्धि लाता है। सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठें और नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद पूरी तरह से शुद्ध हो जाएं और सूर्य को जल चढ़ाएं। सूर्य को जल अर्पित करने के बाद घर के मंदिर या किसी अन्य शिव मंदिर में जाएं। अपने साथ गेहूं का आटा और पानी ले जाएं। मंदिर में पहुँचने के बाद आटे में पानी डालकर 11 छोटे शिवलिंग बनाएं। आटे के सभी 11 शिवलिंगों की विधिवत पूजा करें। जब शिवलिंग की पूजा की जाती है तो उन्हें नदी या तालाब या कुएं में विसर्जित कर दें। इन 11 शिवलिंगों को किसी ऐसे तालाब या नदी में विसर्जित कर दें जहां मछलियां हों।
इस उपाय से भक्त के लिए बहुत सारा धन लाभ होगा। हर सुबह जब रोटियां बनाई जाती हैं, उस समय इसे पहली रोटी के 4 बराबर भागों में विभाजित करें। इनमें से एक हिस्सा एक गाय को दिया जाना है, दूसरा हिस्सा एक काले कुत्ते को दिया जाना है, तीसरा हिस्सा कौवों को निकालना है और चौथा हिस्सा घर के पास एक चौराहे पर रखना है। ऐसा प्रतिदिन करें। किसी विशेष मुहूर्त या त्योहार पर इस उपाय को अनिवार्य रूप से करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को छोटा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा लें। धन्यवाद।